नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट न्यूज एंड इंफोटेनमेंट में आपका स्वागत है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि जिस समय इंडिया की मुख्य टीम इंग्लैंड के दौरे पर होगी, तभी इंडिया की बी टीम श्रीलंका का दौरा करेगी। यहां भारतीय टीम श्रीलंका से 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलेगी। हालांकि इस टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे स्टार बल खिलाड़ी नहीं होंगे। अब हर क्रिकेट प्रेमी के मन में ये सवाल जरूर होगा कि ऐसे में श्रीलंका जाने वाली टीम की कप्तानी किसे मिलेगी, कौन संभालेगा भारतीय टीम को। स्वाभाविक भी है, BCCI के एक अधिकारी की माने तो श्रेयस अय्यर को इस दौरे पर टीम की कमान सौंपी जा सकती है। अगर वह जुलाई में होने वाले सीमित ओवरों के दौरे तक फिट नहीं हुए तो सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। वही टीम में एक कम समय में ही अपनी जगह पक्की कर चुके ऑलराउंडर व बल्लेबाज हार्दिक पांड्या का नाम भी इस चर्चा में शामिल है। BCCI के अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि इस तरह की चोट के ऑपरेशन से पूरी तरह ठीक होने में खिलाड़ी को 4 महीनों तक का समय लग सकता है, इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि श्रेयस अय्यर जुलाई में उपलब्ध हो पाएंगे या नहीं। अगर वह फिट हो जाते हैं तो कप्तानी के लिए वह BCCI की पहली पसंद होंगे। उनके बाद IPL में शानदार प्रदर्शन करने वाले गब्बर को कप्तानी का मौका दिया जा सकता है। वह काफ़ी सीनियर बल्लेबाज हैं और उस महीने में चयन के लिए उपलब्ध भी रहेंगे। धवन की 2018 में एशिया कप के दौरान टीम का उपकप्तान भी बनाया गया था। धवन ने IPL 14 स्थगित होने तक 8 मैचों में 55 की औसत से टूर्नामेंट में सर्वाधिक 380 रन भी बनाए हैं। हार्दिक पांड्या के नाम पर BCCI अधिकारी ने कहा कि सीमित ओवरों में हार्दिक की मैच विजेता छवि को कम करके नहीं आंका जा सकता, वह टीम के लिए ध्रुव का इक्का साबित हो सकते हैं। इसके अलावा KL राहुल का भी नाम श्रीलंका दौरे के लिए कप्तानी में चर्चा में है। सीमित ओवरों के पिछले ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में उन्हें टीम का उपकप्तान बनाया गया था। इसके अलावा IPL में वह पंजाब किंग्स के लिए भी कप्तानी कर रहे थे। IPL में KL राहुल ने 7 मैचों में 331 रन भी बनाए हैं। एक नाम और है जो इंग्लैंड दौरे के लिए चुना गया है, वह इंग्लैंड दौरे में नहीं चुना गया है। वह सीमित ओवर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर में भारत के लिए 164 विकेट भी ले चुके हैं। ये नाम है भुवनेश्वर कुमार का। कुमार ने IPL में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए केन विलियमसन की उपस्थिति में कुछ मैचों में कप्तानी भी की है। तो ये थे दोस्तों श्रीलंकाई दौरे पर कप्तान बनने वाले संभावित खिलाड़ियों के नाम। क्रिकेट की लगातार अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए।